दोस्तों मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि क्या नोकिया 6.1 आज की डेट में लेना सही होगा? क्या ये फ़ोन वैल्यू फॉर मनी है? अगर हम नोकिया को कंपेयर करते हैं सैमसंग से, एमआई से या एसुस से, तो क्या नोकिया 6.1 वैल्यू फॉर मनी है आज की डेट में? तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि क्यों आपको नोकिया 6.1 लेना चाहिए और क्यों इसे इग्नोर करना चाहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो रेड बटन दबाकर आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों अगर प्राइस की बात की जाए तो नोकिया 6.1 का प्राइस है 15,800 के आसपास, और आपको इसमें मिलती है 3 GB की रैम, 32 GB इंटरनल स्टोरेज। मतलब इतना पे करने के बाद भी आपको 4 GB की रैम नहीं मिलेगी। अगर आपको चाहिए 4 GB की रैम तो आपको पे करने होंगे 18,999, जिसको हम बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं बोल सकते, चाहे नोकिया का ब्रांड है तो भी। नोकिया को लगता है उसकी ब्रांड वैल्यू के चक्कर में वो हमें किसी भी प्राइस पे कुछ भी देगा हम ले लेंगे, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये बात मानने की है, जो बिल्ड क्वालिटी आपको मिलती है नोकिया 6.1 में वो काफ़ी अच्छी है। आपको इस प्राइस पर कोई भी नहीं दे रहा ऐसी बिल्ड क्वालिटी, लेकिन आपको उसमें डिस्प्ले मिलता है 5.5 इंच का 16:9 वाला। आपको ऊपर और नीचे नोकिया 6.1 में बड़े बड़े बेजल्स देखने को मिलेंगे, जो कि 2018 में आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाले, क्योंकि अब ट्रेंड चल रहा है 18:9 का। तो आज की डेट में कोई ऐसा स्मार्टफोन लेना जिसमें आपको फुल व्यू डिस्प्ले नहीं मिलता वो बिल्कुल भी सही नहीं है। आप थोड़े दिन में ही उससे बोर हो जाओगे, आपको यूज़ करने में मज़ा नहीं आएगा। बाकी अच्छी बात यह है कि आपको नोकिया 6.1 में गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी मिलती है, तो बिल्ड क्वालिटी को लेकर यहाँ आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। और अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो आपको इसमें मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 630। अब वैसे तो ये काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, लेकिन आपको इससे कम प्राइस में स्नैपड्रैगन 636 भी मिल जाता है। परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिलेगी, परफॉर्मेंस को लेकर आपको शिकायत नहीं होगी। और आपको इसमें हाइब्रिड सिम स्लॉट मिल जाएगा, या तो आप इसमें ड्यूल सिम लगा पाओगे या एक सिम एक एसडी कार्ड। डेडिकेटेड स्लॉट आपको नहीं मिलता इसमें एसडी कार्ड के लिए। अब हम देखते हैं इसका कैमरा कैसा है। अगर आपकी प्रायोरिटी है कैमरा तो क्या आप ले सकते हो नोकिया 6.1? देखो, आपको एक तो इसमें सिंगल कैमरा मिलेगा, ड्यूल कैमरा का सेटअप आपको इसमें नहीं मिलता। जिस प्राइस पे आपको ये फ़ोन मिल रहा है उस प्राइस पे ड्यूल कैमरा का सेटअप तो होना ही चाहिए था। 16 MP का रियर कैमरा आपको दिया गया है f2.0 अपर्चर के साथ। जिस ऑप्टिक लेंस आपको इसमें मिलते हैं, अब दोस्तों जिस ऑप्टिक लेंस तो आपको इसमें मिल गए, लेकिन क्या ये इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं नोकिया 6.1 में? तो मैं आपको कहूँगा बिल्कुल भी नहीं। इसमें आपको रियर कैमरा मिलता है 1 μP साइज के साथ, तो लो लाइट परफॉर्मेंस इसकी अच्छी नहीं है। डे लाइट में आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे, लेकिन लो लाइट में आपको उतना अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। फ्रंट कैमरा है 8 MP का f2.0 अपर्चर के साथ। यह आपको मिलता है 1.12 μP साइज, तो ये भी ठीक ठीक है, उतना अच्छा फ्रंट कैमरा भी इसका नहीं है। वीडियो क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है, 4K वीडियो का भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा इसमें। लेकिन अब वीडियो में दिक्कत यह है कि आपको वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए EIS या OIS नहीं मिलता इसमें। तो मैं आपको कहूँगा कि कैमरा भी अगर आपकी प्रायोरिटी है तो भी ये फ़ोन आपके लिए नहीं है। बैटरी आपको दी गई है इसमें 3000 mAh की, और इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा और USB-C Type पोर्ट भी मिल जाएगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। कुल मिला के बात यह है कि आपको नोकिया 6.1 आज की डेट में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कुछ टाइम तक नोकिया X6 भी आ जाएगा, जो कि इससे काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन होगा। Mi 8 SC भी आने वाला है और लेनोवो Z5 भी आएगा। ये सारे स्मार्टफोन्स काफ़ी अच्छे होने वाले हैं नोकिया 6.1 के कंपैरिजन में। यहाँ तक कि जो अभी स्मार्टफोन आपको मिल रहे हैं, चाहे वो है Redmi Note 5 Pro या Asus ZenFone Max Pro, ये भी काफ़ी अच्छे हैं नोकिया 6.1 के कंपैरिजन में। ऊपर कार्ड्स में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिसमें मैंने कंपैरिजन किया है नोकिया 6.1 का Redmi Note 5 Pro के साथ, तो वो भी आप देख सकते हैं। अगर आप ये फ़ोन लेते हो तो कुछ टाइम तक आप इस फ़ोन से बोर हो जाओगे। बाकी आप बताओ कि क्या आप नोकिया 6.1 लेना पसंद करोगे, और अगर नहीं तो इसकी जगह पे आप कौन सा फ़ोन लोगे? उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।